स्टूडेंट्स, तो पेश है हमारा एक और वीडियो फॉर क्लास नाइन्थ एंड टॉपिक इज पॉलिनोमियल। पर आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन। इससे पहले हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल विथ रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो दिस इज इन कंटिन्यूएशन इज फैक्टराइजेशन। अब हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन के ऊपर, तो फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड ऑल्सो फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फैक्टराइजेशन है वो दो तरीके से हम कर सकते हैं, पहला तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड सेकेंड बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो पहले बात करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। जैसा कि नाम से ही क्लियर है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो समझते हैं। देखिए p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब फैक्टराइजेशन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दिमाग में रखनी है वो रखनी है कि नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो इवन होना चाहिए, ऑड नहीं होना चाहिए, तो इजीली फैक्टराइजेशन हो जाता है। जैसे अगर दो टर्म है या फोर हो या सिक्स हो, पर यहां पर हम क्या देख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में थ्री टर्म्स है। तो अगर मैं स्प्लिट करूंगा, स्प्लिट का मतलब है कि इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगा, इस तरह से ब्रेक करूंगा बी वन और बी टू में कि मुझे तीन की जगह कितनी टर्म्स मिल जाए, चार। तो उसको ब्रेक करने के कुछ रूल्स होते हैं। तो क्या रूल्स होते हैं पहले इनके ऊपर नजर डाल देते हैं। क्योंकि इस बी के दो पार्ट होने हैं बी वन और बी टू, तो वो ऐसे होने चाहिए कि जो उनका प्रोडक्ट होगा बी वन और बी टू का वो ऑलवेज इस ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। ए क्या है यहां पर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी इज द कॉन्स्टेंट टर्म। उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वही प्रोडक्ट इसके जो दो पार्ट होंगे उनका होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, अगर ऐसा नहीं है तो फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा। सेकंड क्या है, अब सेकंड हम ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके साइन को देखते हैं। इसको तो मुझे हर बार पॉजिटिव लेके चलना ही है, अगर है पॉजिटिव तो ठीक है, नहीं तो कर लेंगे, वो एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम देखते हैं सी का साइन, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म सी है अगर इसका साइन पॉजिटिव है, ये जो सी है ये पॉजिटिव है, तो ये जो दो पार्ट हमने किए हैं बी के बी वन बी टू, इन दोनों का जो सम है वो हमेशा इसके इक्वल आना चाहिए, किसके बी के, ठीक है, किसके इक्वल आना चाहिए बी के। कब आना चाहिए ऐसा, अगर ये सी पॉजिटिव है, और दूसरा अगर ये सी नेगेटिव है, अगर सी का जो साइन है वो कैसा है नेगेटिव है, तो ये जो बी वन और बी टू है इनका डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए बी के। क्लियर हो गया, ये तीन चीजें बिल्कुल दिमाग में रखनी है। क्या क्या दिमाग में रखनी है, एक तो b1 और b2 का जो प्रोडक्ट है वो a और c के प्रोडक्ट के इक्वल हो। सेकंड क्या, अगर c पॉजिटिव है तो ये b1 और b2 का सम b के इक्वल हो। और तीसरा अगर ये c नेगेटिव है तो ये b1 और b2 का डिफरेंस जो है वो b के इक्वल है। अगर ये ऐसा अपन के दिमाग में है तो अपन हर एक क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, मुझे इसको फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म। तो पहले तो मैं देखता हूं कि अगर मैं इसको इस स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू मुझे मिलेगी वन, बी की वैल्यू वैसे तो मुझे यहां पर क्या मिल जाएगी माइनस फाइव, पर मैं अभी साइन को नहीं देख रहा हूं, बी कितना है न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात कर रहे हैं फाइव और सी कितना है सिक्स। क्लियर हो गया, पर सी का जो साइन है वो देखना है वो क्या है पॉजिटिव है। इस साइन से कभी मतलब नहीं है, हमेशा मतलब किस साइन से रहेगा, जो कांस्टेंट टर्म है सी उसका साइन, तो वो पॉजिटिव है। अब जैसे ही ये पॉजिटिव तो मुझे क्या पता चला कि जो ए और सी का इन टू है मतलब वन और सिक्स सिक्स है, तो यहां पर जो दो पार्ट होंगे बी वन और बी टू उनका जो प्रोडक्ट है वो भी कितना होना चाहिए सिक्स, और उनका सम, प्रोडक्ट तो हर बार सिक्स होना चाहिए, और उनका जो सम है वो कितना होना चाहिए इस फाइव के इक्वल बी के इक्वल होना चाहिए। तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि यहां पर फाइव है, अगर मैं टू प्लस थ्री ले लेता हूं तो टू प्लस थ्री क्या होगा फाइव हो जाएगा, और अगर टू प्लस थ्री फाइव है और इनका इंटू करें तो टू इंटू थ्री कितना हो जाएगा सिक्स, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। तो क्या हुआ, फाइव को मैंने ब्रेक किया टू प्लस थ्री में, अब इसको हम कैसा लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज, फाइव की प्लेस पे मैंने क्या लिख लिया टू प्लस थ्री ब्रैकेट में इंटू एक्स और प्लस सिक्स, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये माइनस टू इंटू एक्स, तो माइनस टू एक्स हो गया, माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस का इंटू होगा तो क्या आएगा माइनस,
तो ये माइनस थ्री इंटू एक्स, थ्री एक्स और ये प्लस सिक्स। अब क्या हो गया, थ्री टर्म से हमने कितनी टर्म्स बना दी, फोर। मैंने बताया ना कि अगर हमें, हमारी कोशिश क्या रहेगी कि टर्म्स कैसी हो, इवन नंबर में हो, ऑड में ना हो। तो अब मैंने दो दो के पेयर बना लिए, एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये। इसमें से क्या मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं, टू तो है नहीं इसमें, एक्स है तो एक्स ही कॉमन आएगा क्योंकि एक्स तो यहां पर भी है। जब एक एक्स कॉमन आ गया तो एक एक्स बच गया एक्स स्क्वायर में से, माइनस टू एक्स में से एक्स चला गया तो क्या बचा, माइनस टू। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, थ्री है और सिक्स की टेबल, थ्री की टेबल में सिक्स आता है तो थ्री इसमें से भी कॉमन आ सकता है, तो थ्री कॉमन लिया विथ माइनस साइन, तो माइनस साइन लिया तो ये एक्स तो प्लस का हो गया, और इस प्लस में से माइनस साइन लिया तो ये क्या हो गया, माइनस का, तो ये आ गया एक्स माइनस टू। अब मैं इन दोनों को देख रहा हूं, ये दोनों टर्म्स हमेशा कैसी आनी चाहिए, इक्वल। अगर ये दोनों टर्म इक्वल आ रही है, इट मींस हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ये यहां इक्वल नहीं आई तो हमें चेक करने की जरूरत है कि हमने क्या मिस्टेक किया हुआ है, या तो हो सकता है हमने स्प्लिट अच्छे से नहीं किया है या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक। तो इन दोनों टर्म्स को हमेशा से चेक करना है कि ये इक्वल आनी ही चाहिए। अब ये दोनों टर्म इक्वल है तो इनको हमने कॉमन ले लिया x माइनस टू, तो इस पहले वाले में क्या बचा, x, बीच में साइन है माइनस का, इधर कितना बचा, थ्री। तो जो दूसरी टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, x माइनस थ्री। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री टू, तो फैक्टर कितने होने चाहिए थे, टू। तो ये देखिए दो लीनियर फैक्टर हमको मिल गए, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को By the splitting the middle term से हम factorize करते हैं। और कुछ examples देखते हैं, चलिए तो फिर एक और example करते हैं by splitting the middle term का ही। Question है 6 minus x square को factorize करना है। तो polynomial की एक condition रहती है कि हमें polynomial को कैसे लिखना होता है, standard form में, either in increasing order or in the decreasing order। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ही लिखेंगे। तो सबसे पहले आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस एक्स और फिर प्लस सिक्स, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसको पहले वाले टर्म को, ए को हम पॉजिटिव बना देते हैं। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया, माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन से। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, बट ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स हो गया आगे अपना पॉलिनोमियल। अब वापस से यहां पर एक्स का कॉफिशियंट कितना है मिडिल टर्म में, वन। अब मुझे इस वन को स्प्लिट करना है, पर पहले मैं देख लेता हूं कि एबीसी क्या है, ए वन है और बी भी वन है और सी है सिक्स, बट सी कैसा है, निगेटिव है। तो यहां मैंने देख लिया कि सी का साइन क्या है, निगेटिव है। तो हमने जो तीन रूल लिखे थे उसके अकॉर्डिंग अब सी निगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि ये जो बी के दो पार्ट होंगे उनका डिफरेंस बी के इक्वल होगा। बी के जो दो पार्ट होंगे बी वन बी टू, उनका डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, बी के। और ए और सी का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, उन दोनों पार्ट्स के। तो ए और सी का प्रोडक्ट कितना है, वापस से यहां पर सिक्स ही हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट सिक्स हो रहा है। तो मुझे यहां पर वन के ऐसे दो पार्ट चाहिए जिनका डिफरेंस वन हो लेकिन प्रोडक्ट कितना हो, सिक्स। तो मैं देख रहा हूं थ्री माइनस टू अगर मैं कर देता हूं तो थ्री माइनस टू क्या आएगा, वन, और थ्री टू जा क्या हो जाएगा, सिक्स। तो दोनों कंडीशंस वेरीफाई हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, इस वन की जगह मैंने क्या लिख रखा है, थ्री माइनस टू इंटू एक्स और माइनस सिक्स। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस माइनस, माइनस रहेगा टू एक्स माइनस सिक्स। अब वापस से मेरे पास फोर टर्म आ गई है, तो दो दो टर्म्स के हम पेयर बना लेंगे। पहली टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स, क्या बचेगा, एक्स प्लस थ्री। दूसरी टर्म में से क्या कॉमन आएगा, माइनस का टू, तो क्या बचेगा, माइनस का टू कॉमन लिया है तो यहां एक्स, सिक्स को टू से डिवाइड करेंगे थ्री, माइनस दोनों टर्म में था, माइनस बाहर आ गया तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी, तो एक्स प्लस थ्री। वापस से क्या है, एक्स प्लस थ्री क्या आ गया, सेम। यहां पर चेक जरूर करना है कि ये दोनों टर्म सेम है कि नहीं है, अगर ये सेम है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, एक्स प्लस थ्री अगर दोनों में से कॉमन लिया जाए तो यहां क्या बच गया, एक्स और माइनस टू, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू क्या हो गया, फैक्टर्स हो गए। क्वाड्रेटिक था तो कितने फैक्टर बनने चाहिए थे, दो, दोनों फैक्टर बन गए, तो क्लियर हो गया होगा। आगे हम सीखते हैं इसी क्वेश्चन को, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन को बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। चलिए बात करते हैं सेकेंड मेथड जो कि था बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के थ्रू हम किस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो देखिए ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सबसे पहला हमारा टारगेट ये होगा
कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है ए, अगर वो वन नहीं है तो फिर उसे वन बनाना है। मान लीजिए टू थ्री सिक्स वट एवर कुछ भी दिया हो तो उसे वन कैसे बनाना है, उस टर्म को कॉमन ले लेंगे। तो ए को जब मैं कॉमन ले लूंगा तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ए अगर इसमें से कॉमन है तो आ जाएगा, नहीं है तो अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा उसका, तो बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, दीज आर, अगर ये न्यूमेरिकल टर्म्स होंगी तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये ए आ गया, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जी ऑफ एक्स से डिनोट करूं तो ये क्या हो गया, ए इंटू जी ऑफ एक्स। अब बात करते हैं जी ऑफ एक्स की, तो जी ऑफ एक्स एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें क्या खास बात हो गई कि ये जो क्वाड्रेटिक टर्म है एक्स स्क्वायर उसका जो कॉफिशियंट है वो कितना हो गया, वन। अगर ये वन दिया रहता तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली यहां से ही आगे जाते, पर एक्चुअली अगर वन नहीं है तो उसे वन बनाना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या देखेंगे हम, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म दी हुई है अपन को सी अपॉन ए, कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म जो होगी इसके हम सभी फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, क्या करेंगे, सारे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, और उन सभी प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करने के बाद यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड, आप लोग सिक्स क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो, मतलब उन सभी फैक्टर्स को एक एक करके इस जी ऑफ एक्स में रखेंगे और वो फैक्टर्स पता करेंगे जिन पर ये क्या हो रहा है, जीरो। फाइंड द फैक्टर्स एट विच जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, वो फैक्टर पता करेंगे जिनके लिए ये जी ऑफ एक्स क्या हो रहा है, जीरो। जिन भी फैक्टर्स पर जी ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा वो क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के भी फैक्टर्स होंगे, उनके क्या होंगे, जीरोज होंगे, क्या होंगे, जीरोज। अगर वो जीरो, सपोज अगर वो अल्फा और बीटा आते हैं, सपोज दो फैक्टर हमको मिल गए क्या, अल्फा और बीटा, जिन पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा उसके दो लीनियर फैक्टर होंगे, तो जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ये जी ऑफ एक्स है तो फिर पी ऑफ एक्स क्या होगा, क्योंकि जी ऑफ पी ऑफ एक्स क्या है, ए इंटू जी ऑफ एक्स, तो ए और ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे जब मैं आपको इसका एग्जाम्पल करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, चलिए करते हैं एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस 18। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीख लिया है, इसको फैक्टर थ्योरम से करना है। तो यहां सबसे खास बात क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या दिया हुआ है, वन, तो मुझे और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वन दिया है तो इसको चेंज नहीं करना है, ये वन ही। अब कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 18 है, तो अब 18 के जितने भी फैक्टर्स बन सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो क्या क्या फैक्टर बनेंगे, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 9 और प्लस माइनस 18। प्लस माइनस हर बार आएगा क्योंकि प्लस 2 से भी डिवाइड हो रहा है, माइनस 2 से भी हो रहा है, तो ये इतने इसके क्या हो गए, फैक्टर्स। अब इनमें से एक एक को रख के देखेंगे हम, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमने x इज इक्वल टू 2 लिया इसमें, तो p ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 माइनस 18, तो 2 का स्क्वायर 4, 7 टू या 14 माइनस 18, 4 प्लस 14, 18 माइनस 18 जीरो आ गया, पहले पे ही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, hence x is equal to 2 is one of the zero। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं, 2, हमें पता है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एटमोस्ट 2 जीरो, क्योंकि हमने अपने पहले वीडियो में पढ़ा था द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल डिपेंड ऑन इट्स डिग्री। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसका मतलब है कि इसके दो ही जीरो हो सकते हैं, एक मुझे मिल गया, मतलब किसी तरह से एक जीरो और निकालना है। तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, अगला क्या रखेंगे, माइनस 2, माइनस 2 रख के देखा, माइनस 2 का स्क्वायर 7 इंटू माइनस 2 माइनस 18, 4 माइनस 14 माइनस 18 जीरो नहीं आ रहा, मतलब माइनस 2 इज नॉट अ जीरो। 3 रख के देखा, 3 पे भी जीरो नहीं आ रहा है, x इक्वल टू 3 इज नॉट अ जीरो। माइनस 3 रख के देखा, माइनस 3 पे भी जीरो नहीं आ रहा है, तो माइनस 3 इज ऑल्सो नॉट अ जीरो। 6 रख के देखा, उस पे भी जीरो नहीं आ रहा है, माइनस 6 पे भी जीरो नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं 9, अगला 9 पे भी जीरो नहीं आ रहा है, पर माइनस 9 पे आ गया जीरो, माइनस 9 रखा, माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 9 माइनस 18, तो 81 माइनस 63 माइनस 18, 81 माइनस, ये दोनों ऐड होके 81, 81 माइनस 81 क्या आ गया, जीरो। तो क्या आ गया, माइनस 9 इज अदर जीरो, तो दो ही जीरो थे तो आगे मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। एक जीरो आ गया कितना, x इज इक्वल टू 2,
दूसरा जीरो क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस नाइन। अगर x इज इक्वल टू टू जीरो है तो x माइनस टू इज वन ऑफ द फैक्टर, टू को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस नाइन इज अदर जीरो, तो x प्लस नाइन विल बी द अदर फैक्टर। तो ये जो क्वेश्चन दिया था इसके जो दो फैक्टर, दो ही हो सकते हैं, क्या होंगे, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस नाइन। अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक कर सकते हैं, आप इनका इंटू करेंगे तो यही का यही आएगा। अब अगर और भी तरीके से चेक करना है तो इसको स्प्लिट से भी करके देख लेंगे तो आप आंसर क्या आ जाएगा, सेम। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर थ्योरम से कर सकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जब क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने जाते हैं तो उसमें फैक्टर थ्योरम और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म दोनों का यूज कर लेते हैं। तो समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टेन। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरो होंगे, तीन, और फैक्टर भी कितने होंगे, थ्री। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स क्यूब सबसे बड़ी टर्म है तो उसका जो कॉफिशियंट है वो वन है, तो मुझे इसको वन बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी डिवाइड नहीं करना है। अब मैं देखता हूं कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, टेन है, तो टेन के क्या क्या फैक्टर होंगे, वन से ही स्टार्ट कर लेते हैं, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस फाइव एंड प्लस माइनस टेन, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ टेन। तो एक एक करके रखेंगे, सबसे पहले वन रख के देखा, वन रख के देखने पर क्या है, ये जीरो नहीं आ रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू वन इज नॉट अ जीरो। माइनस वन रखा और माइनस वन रख के जब सिंप्लीफाई किया तो जीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज वन ऑफ द जीरो। एक ही जीरो मिला है बल्कि होंगे कितने, थ्री जीरो हो सकते हैं बिकॉज इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर x इज इक्वल टू माइनस वन इज वन ऑफ द जीरो, इसका मतलब है कि x प्लस वन विल बी इट्स वन ऑफ द फैक्टर। x प्लस वन क्या आ गया, फैक्टर, और फैक्टर आप लोग समझते हैं, फैक्टर थ्योरम में हमने पढ़ाया, अगर ये फैक्टर है इसका मतलब ये इस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। तो वही करते हैं, अभी हम लॉन्ग डिविजन का यूज करते हैं और ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको इसी के फैक्टर x प्लस वन से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर तो श्योरली जीरो आना है क्योंकि ये फैक्टर है, पर होगा क्या, इससे जो क्वेश्चन आएगा वो इसका क्या होगा, दूसरा फैक्टर होगा। तो हम क्वेश्चन फाइंड कर रहे हैं तो डिवीजन से करेंगे, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टेन, डिवाइड किससे कर रहे हैं, एक्स प्लस वन से। मैं आपको डिवीजन मेरे पिछले वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो देखिए ये एक्स क्यूब है, मुझे एक्स सॉरी ये एक्स है और मुझे एक्स क्यूब चाहिए, तो किससे इंटू करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर को जब एक्स में इंटू करेंगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का प्लस वन में होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब साइन चेंज होंगे जब सबट्रैक्ट करेंगे तो ये एक्स क्यूब तो कैंसिल हो गया, ये माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का सेवन एक्स स्क्वायर। बाकी की टर्म्स को एज इट इज ले लेते हैं, प्लस थ्री एक्स प्लस टेन। अब अपना टारगेट क्या हो गया, ये माइनस सेवन एक्स एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना है, तो मेरे पास एक्स है तो माइनस सेवन एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, माइनस सेवन एक्स का इंटू करने पर, साइन के साथ ही देखते हैं तो माइनस सेवन एक्स यहां आएगा। अब इसका इंटू एक्स में होगा तो माइनस सेवन एक्स स्क्वायर, माइनस सेवन एक्स का प्लस वन में इंटू होगा तो माइनस सेवन एक्स, अगेन साइन चेंज होंगे, माइनस था तो प्लस, ये भी माइनस था तो प्लस, ये कैंसिल हो गए, प्लस का 3x और प्लस का 7x कितना आ गया, प्लस 10x। अगला क्या बचा है, 10। अब मुझे यहां पर x दिया हुआ है, 10x चाहिए तो प्लस 10 का इंटू कर देंगे, तो प्लस 10 इंटू एक्स क्या होगा, 10x, प्लस 10 इंटू वन क्या हो जाएगा, 10। माइनस माइनस दोनों कंप्लीटली कैंसिल हो गया, इसका मतलब रिमाइंडर क्या है, जीरो। इसका मतलब ये कि डिवीजन सही है, क्योंकि ये तो हमें पहले ही पता था कि रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो, क्योंकि x प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब अगर रिमाइंडर जीरो है इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा, किसके थ्रू, डिविडेंड थ्योरम के थ्रू। क्या थी डिविडेंड थ्योरम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो है ही नहीं तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट आ गया। अब ये क्या हो गया, एक तो लीनियर फैक्टर है, एक क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक को अभी हम और फैक्टराइज कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या करेंगे, क्या देख रहे हैं, ए वन है और सी कितना है, टेन है, तो वन और टेन का जो इंटू होगा वो कितना होगा, टेन, यहां पर सेवन है, अच्छा टेन पॉजिटिव है, इसका मतलब सेवन के जो दो फैक्टर होंगे उनका
प्रोडक्ट तो 10 होना चाहिए पर सम कितना होना चाहिए 7। तो ऐसे प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं, ऐसे फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं, 2 प्लस 5 क्या होगा 7 एंड 2 इंटू 5 क्या होगा 10। तो x प्लस 1 एज इट इज इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह लिख लिया मैंने 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 10। आगे सॉल्व करेंगे x प्लस 1 एक्स स्क्वायर ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 5x और ये प्लस 10। x प्लस 1 एज इट इज दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा पहली दो टर्म में से x तो अंदर बचेगा x माइनस 2। इधर से क्या कॉमन आ जाएगा माइनस का 5 क्या बचेगा x माइनस 2। दोनों में x माइनस 2 आ गया मतलब ये जो है फैक्टराइजेशन सही डायरेक्शन में। अब x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे x प्लस 1 पहले से ही था x माइनस 2 भी कॉमन आ गया क्या बचा यहां x और इधर 5 माइनस का तो x माइनस 5 तो ये क्या हो गया फैक्टराइजेशन हो गया इसका। अब ये क्यूबिक टर्म थी तो कितने जीरोस थे 3 अगर 3 जीरोस थे तो कितने फैक्टर होने चाहिए थे 3 तो ये देखो तीनों लीनियर फैक्टर आ गए। अगर चेक करना हो तो वापस से इसको इंटू कर दें हम अगर इन तीनों टर्म्स का आपस में इंटू करेंगे आप लोगों ने एर्थ में सीखा हुआ है इंटू करना अगर इंटू कर देंगे तो वापस यही पॉलिनोमियल आ जाएगा इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। तो आज हमने पढ़ा फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं आप एनसीईआरटी में 2.4 के 4 और 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं आर एस अग्रवाल से उपाध्याय से आरडी से बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं और आगे के लिए भी आपको ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो इन क्वेश्चंस को कीजिएगा अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर मेंशन कर दीजिएगा ताकि हम अपने अगले वीडियो में उसको जरूर कवर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और बेल आइकन दबाना न भूलेगा। हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे एलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जो कि लास्ट टॉपिक होगा पॉलिनोमियल का एलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।